दुर्ग में शहीद दिवस पर भाजयुमो द्वारा 51 फुट लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली गई, साथ ही श्रद्धांजलि शहीदों को अर्पित की गई। शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की शहादत को याद करते हुए दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए 51 फुट लंबे तिरंगे के साथ इनकलाब रैली निकाली। भाजयुमो कार्यकर्ता हिमांशु सिंह के नेतृत्व में निकली रैली स्टेशन रोड पर स्थित शहीद चौक से प्रारंभ हुई, वहीं विभिन्न चौक चौराहों से होती हुई पटेल चौक पहुंची, जहां अमर शहीद भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष नितेश साहू ने कहा कि वे इस तिरंगे रैली के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाना चाहते हैं, ताकि वे प्रदेश व देश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। शहादत दिवस पर आयोजित तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसे लेकर न्यूज टीम को भाजयुमो के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक प्रकार आज के इस युग में युवा भटक रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा और अन्य असामाजिक गतिविधियों की ओर बढ़ रहे हैं, तो तिरंगा यात्रा का उद्देश्य था कि एक प्रकार हम आज शहीदी दिवस है, शहीद भगत सिंह के शहीद का दिवस है, इस दिवस पे आज युवाओं को एकत्र करके एक तिरंगा रैली के माध्यम से हम अन्य युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी अपने देश, समाज और प्रदेश के लिए कुछ करें और एकजुट होकर जिस प्रकार शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया था, आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। युवाओं के द्वारा इनकलाब रैली का आयोजन किया गया और रेसन चौक से लेकर पटेल चौक तक युवाओं ने तिरंगा पकड़कर क्षेत्र के और शहर के युवाओं को ये संदेश देने का काम किया है कि जिस प्रकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने अपना बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई, उसी प्रकार हम भी समाज में अन्याय के खिलाफ खड़े हो और लड़ाई लड़े, यही उद्देश्य को लेकर आज ये तिरंगा रैली इनकलाब रैली आए। अपना परिचय दो। मेरा नाम हिमांशु सिंह है, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।